पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। जिस प्रकार से देश पूरा आज राम में हुआ हुआ है और पूरे भारतवर्ष के अंदर आप देख सकते हैं कि राम जी अयोध्या लौट रहे हैं और पूरी दिवाली जश्न और एक तरह से एक दूसरे को शुभकामनाएं देने और पूर्णतया अगर कहा जाए जागृति एक ऐसी देखी जा रही। मिलके हम पंजाब को रंगला पंजाब बनाएंगे और बिजली के मामले में पंजाब को सरप्लस बनाएंगे। 24 घंटे बिजली रहती है जी, कोई दिक्कत नहीं बिजली की। सानू गरीबों का जीवन का स्तर जिहड़ा जीवन उच्चा पद्धर किवें चक सकते हैं, ये साडियां प्रायोरिटीज़ ने। मेरे ते यकीन तुसीं कीता तां यकीन रखियो, मैं तुहाडा यकीन कदे टुट्टन नहीं दूंगा। जो इससे पहले नहीं देखी गई। हमारे साथ डॉक्टर मनी राम शर्मा जी हैं, यहाँ पर मौजूद हैं, वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं, मंदिर में हवन यज्ञ में ये मौजूद रहे हैं, इनसे बातचीत करेंगे। शर्मा जी, सबसे पहले जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इस प्रकार से हवन यज्ञ में मैंने अभी देखा आप सह परिवार बैठे हुए थे और यहाँ पर धार्मिक कार्य जिस प्रकार से चल रहे हैं और आज राम जी की मूर्ति एक तरफ अयोध्या में स्थापित हो रही है और दूसरी तरफ पूरा देश राम में हुआ हुआ है। मेरे लिए ये व्यक्तिगत रूप से अत्यंत ही भावुक करने वाला क्षण है और मैं शब्द नहीं निकल पा रहे मेरे मुंह से। बचपन से ही और मैंने एक दो बार नहीं कम से कम 50 बार से ज़्यादा तुलसीदास जी के श्री रामचरितमानस का पूर्ण पारायण किया हुआ है और अभी भी प्रतिवर्ष मैं अपने गांव में श्री रामचरितमानस का पाठ करवाता हूँ और अपने गाँव समाज को दाल बाटी चूरमा का प्रसाद खिलाता हूँ। तो आज के दिन जो ये प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, मेरे पिताजी ने 1997 में ये मानस का पाठ प्रारंभ कराया था जो आज तक अखंड पाठ चलता आ रहा है। तो मुझे लगता है कि जैसे मेरे घर का एक कार्य पूर्ण हो गया, करोड़ों देशवासियों की तरह मैं भी बहुत ही भावुक हूँ आज। जिस प्रकार से एक नई पीढ़ी, नई जनरेशन कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाओं से दूर हो रही थी, क्योंकि आप प्रशासनिक स्तर पर भी कार्यरत हैं, इसलिए आपसे ये मतलब मैं अपनी जिज्ञासा पूछना चाहूँगा कि एक उनमें भी मैसेज आता है कि हमारे प्रभु राम, उनके भाई लक्ष्मण, उनके परिवार, उनकी क्या महिमा है, क्या गाथा है। ये जो नई पीढ़ी, इसको सचमुच मेरी ही तरह एक बहुत ही गलत शिक्षा मिली थी और हमारे जो पाठ्य पुस्तकें थी उनको गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया था। इसी कारण से हम हमारे धर्म और संस्कृति से दूर हुए और नास्तिकता को बढ़ावा मिला। मैं खुद बीच में एक हद तक नास्तिक हो गया था, परंतु अब जो माहौल बन रहा है, अब नई पीढ़ी भी बहुत बढ़ चढ़कर आस्तिकता को बढ़ावा दे रही है। मुझे लगता है कि आज का दिन हमारे देश में एक क्रांतिकारी दिन साबित होगा और ये जो पुरान जिस नई पीढ़ी की आप बात कर रहे हो पुनः सनातन धर्म और संस्कृति की तरफ वापस आएगी। जिस प्रकार से 500 साल के बाद कहीं ना कहीं से जो हमारे धार्मिक पूर्वज हैं जिनका एक धर्म गाथा हम पढ़ते आए हैं या सुनते आए हैं अपने बुजुर्गों से, उनका कहीं ना कहीं अयोध्या में लौटना श्री प्रभु श्री राम का, ये भारत के लिए किस प्रकार का संदेश है। मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ और मैंने बाबरी मस्जिद का कैसे बनी थी, कब कैसे मंदिर टूटा था, इतिहास को बहुत अच्छे से पढ़ा है। UPSC भी मैंने इतिहास विषय लेकर की है। आप भी पढ़ रहे होंगे समाचार पत्र में कि अयोध्या के आसपास के 500 से ज़्यादा गांव में जो ठाकुर परिवार हैं वो 1528 से जब बाबरी मस्जिद बनाई गई थी अयोध्या के मंदिर को तोड़कर, तब से नंगे पैर वो चमड़े के जूते नहीं पहन रहे। वो केवल 500 ठाकुर परिवार नहीं, ये पूरे देश की भावना है। शर्मा जी, जिस प्रकार से प्रभु राम केवल अयोध्या के नहीं पूरे देश के, पूरे हिंदुस्तान के, इसके अलावा पूरे हिंदू समाज के हैं, तो उनसे किस प्रकार की सीख समाज को मिलती है, किस प्रकार का एक पथ प्रदर्शन मिलता है। देखिए, अगर आप श्री रामचरितमानस को पढ़ते हैं तो राम का जीवन एक आदर्श जीवन है। सबसे पहले वो आदर्श पुत्र हैं कि प्रातःकाल उठकर रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माथा। पुत्र होने के बाद वो एक आदर्श शिष्य, जब पढ़ने जाते हैं तो गुरुग्रह पढ़न गए रघुराही, अल्पकाल विद्या सब पाई। इसी तरह से वो एक आदर्श राजा भी हैं, प्रजा का अपना प्रजा का और बहुत विश्वास रख भरोसा करते हैं और उनका कहना है कि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सोन रप अवश्य नरक अधिकारी। वो आदर्श शत्रु भी हैं, वो रावण के गुणों से प्रेरणा लेते हैं। इस तरह से जो तुलसीदास जी का आदर्श है रामचरितमानस का,
वो एक प्रकार समन्वय का आदेश है, कभी बैर भाव को बढ़ावा नहीं देता। उस वक्त वो खुद और राम थे, लेकिन कोई इससे भक्त जिस तरह से आज और अलग अलग धर्म संप्रदाय, उस वक्त सैव और शाक्त और राम इत्यादि शाक्त होते थे। राम ने खुद और लंका पर चढ़ाई करने से पहले शिव की पूजा की है और कहा है कि शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर नहीं मोए सपने उभावा। इस तरह से आप जिस जीवन के क्षेत्र में जाएंगे उस क्षेत्र में आपको राम आदर्श मिलेंगे। बहुत बढ़िया बात कही कि जहाँ भगवान राम एक आदर्श पुत्र, आदर्श पिता, आदर्श पति और एक समाज को प्रेरणा स्रोत रहे। उसके अलावा जैसे अभी भगवान शिव जी का आपने जब वो पूजा कर रहे थे उसी का वर्णन किया, तो वहाँ भगवान राम ने देखा जाए तो रावण जिनसे उनका युद्ध होना था वहाँ भी एक मर्यादा रखी और उनसे जो वहाँ बताया गया एक बुद्धिमान और विद्वान ब्राह्मण से पूजा करवाने का तो उनसे पूजा करवाई। देखिए ये सारी बातें ज़्यादा महत्व नहीं रखती हैं, क्योंकि भगवान खुद मानते हैं जिस तरह से भी पद्धति कोई करे सभी और भगवान की नज़र में मान्य है। केवल भावना होनी चाहिए कि आह्वानम ने जानामि ने जानामि विसर्जनम पूजा चैव ने जानामि त्वम गति परमेश्वरम। तो किससे क्या करा रहे क्या नहीं करा रहे इंसान उसका भक्त होता है, बाकी तो सब एक समान है। तुलसी ने यह भी कहा है कि अगुनै सगुनै नहु कछु भेदा, ओवे हरई भव संभव खेदा। तो जिसकी जैसी भावना है, जे जाने जे देव जनाई, जाए नहीं तुम्हें तुम्हें हो जाई। तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो ये बाद की बातें इनमें नहीं पढ़ना चाहिए, भावनाओं में जाना चाहिए। धन्यवाद। तो ये देखिए डॉक्टर मनी राम शर्मा जी भावनात्मक और पूर्णतया भावुक हो गए, क्योंकि जिस प्रकार से भगवान राम का जिक्र आता है, भगवान राम की बारे में ये बताते हैं, कहीं ना कहीं वहाँ के ठाकुरों के बारे में बताते हैं जिन्होंने वहाँ जूते चमड़े के जो बने होते हैं वो डालने बंद कर दिए जब तक ये सारा कार्य नहीं हुआ। कहीं ना कहीं भावनात्मक रूप से अगर देखा जाए तो एक शर्मा जी ने बहुत अच्छा संदेश देने की कोशिश की है कि भगवान राम से जो सीख समाज को मिलती है वो समाज को बहुत आगे अग्रसर कर सकती है, अगर समाज उस पर चलने की कोशिश करे तो। युवा वर्ग के लिए भी इन्होंने कहा है कि भगवान राम का चरित्र बहुत कुछ सीख देता है, एक आदर्श पुत्र बन सकता है, आदर्श पिता कैसे बना जा सकता है, ये सब चीज़ें भगवान राम के चरित्र से सीखने को मिलती हैं। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, पंचकुला। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।